हालत दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीसलपुर बांध से। बीसलपुर बांध से टोंक जिले को सिंचाई के लिए मांगा प्रतिवर्ष 8 TMC पानी। जी हां दोस्तों, बीसलपुर बांध से टोंक जिले को सिंचाई के लिए आरक्षित 8 TMC पानी को जल संसाधन विभाग ने अपने तरीके से शर्तें जोड़कर ख़त्म करना चाहता है। टोंक जिले के लिए सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग अपनी 28 TMC पानी होने की शर्त को हटाए और पेयजल के साथ सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराए। इसके लिए टोंक जिले की उनियारा तहसील के कक्कोड़ निवासी जनसंघर्ष संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय कुमार जैन ने राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर कर रखी है। वहीं जैन ने इस मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्रा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पत्र लिख चुके हैं। तो दोस्तों, बात क्या है अब वो ध्यान से समझना। कमेटी ने जोड़ी थी शर्त। जैन ने बताया कि 10 अप्रैल 1991 को राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से टोंक जिले के उनियारा, देवली और टोंक को ही कमांड एरिया में शामिल किया गया था। इसी दिन यह निर्णय किया गया था कि बीसलपुर बांध से कुल वितरित 24.2 TMC में से 16.2 TMC पानी पेयजल के लिए आरक्षित रहेगा। इसमें से 11.2 TMC जयपुर व उसके बीच में आने वाले गांव, साथ ही 5 TMC पानी अजमेर के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन जो 8 TMC पानी है वो टोंक जिले की देवली, उनियारा और टोंक तहसील के लिए आरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें यह शर्त जोड़ी गई थी कि सिंचाई का पानी बांध में 28.3 TMC से अधिक रहेगा, तभी सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इसी कारण टोंक जिले को प्रतिवर्ष सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, अब हो चुका है पानी के लिए आंदोलन भी बहुत सारे हो चुके हैं, वो भी ध्यान सुनना। जल संसाधन विभाग की ओर से 2016-17 में जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई के लिए, साथ ही दूसरी पेयजल लाइन बिछाने के लिए 1100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा गया था। लेकिन केंद्र ने बांध में अतिरिक्त पानी का कोटा आरक्षित करने की शर्त के साथ प्रस्ताव को लौटा दिया था। जैन ने बताया कि जयपुर के लिए बीसलपुर बांध से बिछाई जाने वाली दूसरी पेयजल लाइन टोंक जिले के लिए घातक है। इसके अतिरिक्त बीसलपुर बांध से सिंचाई के पानी को लेकर 2005 में टोंक जिले में आंदोलन भी हो चुका है। टोंक जिले के सिंचाई के लिए आरक्षित 8 TMC पानी को प्रतिवर्ष दिया जाए, पीपलू, निवाई, मालपुरा को कमांड एरिया में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, अब पानी की सिंचाई की लड़ाई चल रही है, लेकिन बांध वाले ये कह रहे हैं कि जब तक 28.3 TMC पानी बांध में आरक्षित नहीं होगा, उससे पहले हम पानी नहीं देंगे सिंचाई के लिए। क्योंकि जो टोंक का जो बांध है, बीसलपुर बांध, ये पानी पीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अजमेर, जयपुर के सभी आसपास के क्षेत्र, टोंक, इधर सब जगह पानी पेयजल के लिए सप्लाई होता है। अगर दोस्तों सिंचाई के लिए पानी इसमें से खोला गया तो ये पानी जल्द से जल्द घट जाएगा और पीने के पानी की जो आपूर्ति है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस साल से लेकर अगले साल तक पानी जो पीने का है वो आरक्षित रखा गया है। अगर उसमें कटौती होती है तो पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी बीसलपुर बांध के ऊपर आ जाएगी। या तो आप सिंचाई के लिए पानी ले लो या फिर पीने के पानी की उपलब्धता कराओ। इनमें सबसे दो बड़ी अहम बातें हैं। अब इसी को लेकर अब फिर से प्रस्ताव किया गया हाई कोर्ट में कि सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, अन्यथा वो फिर से आंदोलन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं बीसलपुर बांध में ताज़ा हालात के समय 310.62 RL पानी बचा है। यानी कि जो सावन आया था उसकी वजह से जो पहले 307 RL पानी था, अब 310.62 RL पानी हो गया है और इसकी कुल भराव क्षमता है 315.50 RL। यानी कि लगभग 5 TMC पानी, यानी कि लगभग 5 RL पानी अभी खाली है बांध। तो ये अगर ये पूरा भर जाता है तो सिंचाई के लिए पानी मिल सकता है, लेकिन अगर पूरा नहीं भरता है तो सिंचाई के लिए पानी खोलने की सबसे बड़ी समस्या बीसलपुर बांध में आ सकती है। तो दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि ये खबर सारे राजस्थान के सामने पहुँच जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।